नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये पांच बातें अगर आप जीवन में उतार लो ना, तो सुख समृद्धि आपके घर पर दौड़कर आएगी। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, आज के लोग ये बातें नहीं उतारते। उनको ये बातें सिर्फ थोती लगती है, सिर्फ बनावटी लगती है। ऐसी बातों को वो सोचते हैं इनमें तो कुछ नहीं रखा है। लेकिन रियलिटी है, अगर आप इन बातों को जीवन में उतारोगे ना, तो आप खुद रियलाइज करोगे सिर्फ 6 मंथ में कि नहीं यार, मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं यार, मेरे साथ समथिंग डिफरेंट हो रहा है। आप खुद रियलाइज करोगे। तो वह ऐसी 5 बातें कौन सी है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई हैं कि अगर ये आप अपना लोगे ना, तो आपके जीवन का जो लक्ष्य आपने चाहा है वो पालोगे। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप कोई लक्ष्य पाने की कोशिश करते हो ना, तो सही रास्ते पे चलना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रास्ता हमेशा सही होना चाहिए, शॉर्टकट रास्ता नहीं होना चाहिए, किसी को धोखा देकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपने कोई लक्ष्य लिया है तो उसमें समय लगेगा, धीरज रखना होगा। ये नहीं कि मैं आज के आज अपने लक्ष्य को पालूं। कम से कम आपका लक्ष्य को आपको 10 साल की मेहनत देनी होगी, तब जाके आप उस लक्ष्य को पा पाओगे। और रास्ता बिल्कुल सही रखना, सही रास्ते पर चलना। ये नहीं कि आप किसी को भी छल करके और आप अपना लक्ष्य पालो, झूठ फरेब करके आप अपना लक्ष्य पालो। हो सकता है कि आपको छोटे समय के लिए लक्ष्य मिल जाए, आपको थोड़े समय के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन ध्यान रखना, अगर वो रास्ता गलत है ना, वो थोड़े समय की खुशी बहुत लंबे समय के दुख में बदल जाए। इसलिए ध्यान रखना, रास्ता हमेशा सही रखना अपने लक्ष्य के लिए। 2, भगवान श्री कृष्ण कहते कि मन की पवित्रता रखना। आप कोई लक्ष्य पाने जा रहे हो तो मन में पवित्रता रखना, मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखना कि यार नहीं यार, ये मेरे से आगे है यार, ये पीछे रह जाए कैसे भी करके मैं आगे निकल जाऊं, ये मेरे से कैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसी द्वेषता मन में मत रखना। भगवान श्री कृष्ण कहते कि मन में पवित्रता रखना, मन में ये भाव रखना कि ये भी आगे बढ़े और मैं भी आगे बढ़ूं। वसुदेव कुटुंबकम की भावनाएं आपको पता है, भारत की यही सोच रही है कि तुम भी फूलो और हम भी फले। ये नहीं कि यार सामने वाले का तो नुकसान और मेरा फायदा हो, ऐसा मत करना। अगर आपका मन पवित्र होगा, मन सच्चा होगा, मन ईमानदार होगा ना, तो सुख समृद्धि आपके घर पर दौड़ कर आएगी। लेकिन मन में कपटता हुई ना, आप अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा पाओ। 3, धैर्य रखना, सहन शक्ति रखना। ध्यान रखना, आप अपने लक्ष्य के प्रति सहन शक्ति रखना। कोई आपको 2 बात कह दे तो उसमें आप धैर्य रखना, शॉर्ट टेम्पर मत बनना, छोटी छोटी बात पर एंगर मत होना, क्योंकि ये दुनिया है, हर कोई आपको उकसाने की कोशिश करेगा, हर कोई आपको लड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप ऐसा मत करना। सहन शक्ति रखना, धैर्य रखना अपने लक्ष्य के प्रति और अपने आसपास वातावरण, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि हर कोई किसी को उकसाता है। क्यों? क्योंकि हर के मन में कपटता भरी हुई है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, तो लोग ये सोचेंगे यार ये आगे कैसे बढ़ रहा है। वो तरह तरह की बातें आपके दिमाग में भरेंगे और आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मन में सहन शक्ति रखना, तभी आपके घर पर सुख समृद्धि आएगी। 4, प्रभु में विश्वास रखना। ध्यान रखना, अगर आपका भगवान में विश्वास होगा ना, तो आपको अपने आप पर विश्वास होगा, अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा। और भगवान में विश्वास रखना और सही रास्ते पर चलना, और जो भी कार्य करो अपना प्रभु से चरणों में समर्पित कर देना। ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि आप अपना कर्म सही करते जाना, बाकी सब मैं देख लूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। इसलिए प्रभु पर विश्वास अवश्य रखना, क्योंकि यही प्रभु आपको बड़ी बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल देते हैं। 5, अनुशासन में रहना। आपने कोई लक्ष्य लिया है, लेकिन अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है, आप किसी काम को 10 दिन कर रहे हो, 4 दिन नहीं कर रहे हो, 5 दिन कहीं जा रहे हो, 2 दिन नहीं जा रहे हो, ऐसा मत करना। बिना कंसिस्टेंसी, बिना निरंतरता और बिना अनुशासन के आप अपना लक्ष्य नहीं पा पाओगे। आपको अनुशासन तो रखना होगा किसी भी फील्ड में, चाहे बिजनेस में हो, चाहे समाज में हो, चाहे दोस्तों के बीच में हो, कहीं पर भी। अगर आपको लोकप्रिय होना है, अगर आपको कुछ पाना है, अगर आपके घर पर सुख समृद्धि लानी है, तो अनुशासन में रहना होगा, नियम में रहना होगा। और जो भी कोई कार्य करो ना, तो कंसिस्टेंसी से करना। तो ये 5 बातें अगर आपने अपना ली ना, तो आपके घर पर खुद सुख समृद्धि चल कर आएगी।